दोस्तों, स्वागत है आपका एक बार फिर से हमारे YouTube चैनल में। दोस्तों, देश में कट्टरपंथियों द्वारा हिंदुओं की धार्मिक भावनाओं को ठेस पहुंचाने की कोशिश की जा रही है। इससे पहले दिल्ली में ही रामनवमी और हनुमान जयंती पर शोभा यात्रा पर हमले कर हिंदुओं की भावनाओं को ठेस पहुंचाई गई। आपको बता दें कि इस्लामिक कट्टरपंथियों द्वारा ऐसी ही एक हरकत सामने आई है। दिल्ली के सीलमपुर से ऐसा ही मामला सामने आया है। कांवड़ यात्रा के दौरान कांवड़ियों पर मांस के टुकड़े फेंके गए, जिसके बाद कांवड़ियों ने जिहादियों की इस हरकत को लेकर प्रशासन से कार्रवाई की मांग की है। घटना मंगलवार 19 जुलाई 2022 शाम करीब 4 बजे की है, जब दिल्ली के सीलमपुर इलाके में कुछ लोगों ने कांवड़ियों पर मांस के टुकड़े फेंके। दिल्ली में मांस के टुकड़े फेंक कर हिंदुओं की भावनाओं को ठेस पहुँचाई गयी, तो वही यूपी में कांवड़ियों पर फूल से स्वागत किया गया। यात्रा 25 जुलाई को राजस्थान के अलवर में संपन्न होगी। इस घटना के कई वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहे हैं, जिसके बाद हिंदुओं में आक्रोश फैल गया है। फिलहाल पुलिस ने समझा बुझाकर मामला शांत करवाया है। आपको बता दें कि कांवड़ियों का कहना है कि सीलमपुर इलाके में पहुँचते ही एक साथी कांवड़ियों ने जब कांवड़ को एक कंधे से दूसरे कंधे पर रखा, तभी उसके कांवड़ में मांस के टुकड़े फेंक दिए गए। इसके कुछ टुकड़े सड़क पर गिर गए। आपको बता दें कि ये कोई पहला हादसा नहीं है जब हिंदुओं की भावनाओं का अपमान किया गया हो। इससे पहले भी दिल्ली में राम नवमी और हनुमान जयंती पर उत्पात कट्टरपंथियों ने मचाया है। कहीं न कहीं ऐसी घटनाएं प्रशासन पर सवाल खड़े करती है। तो दोस्तों, इस घटना के बारे में आपका क्या कहना है, आप हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताएं, और साथ ही साथ वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।